झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र है अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए मंगलवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जारी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है और देश की जनता एवं जांबाज सिपाहियों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से देश की सुरक्षा पर क्रूरतम प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का झूठे वादे करने का एक लंबा इतिहास रहा है। आज तक कांग्रेस ने एक भी वादा अपने कार्यकाल में पूरा करके नहीं दिखाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि केंद्र में उसकी सरकार आने पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट एफएसपीए को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को स्पष्ट करना चाहिए कि एफएसपीए को कमजोर करके वे सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहती है या गिराना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशद्रोह के कानून को खत्म करके और एफएसपीए को कमजोर करके आतंकवादियों और अलगाववादियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देशद्रोह के कानून को खत्म करने का मतलब है कि कांग्रेस राज में भारत माता की जय के बदले देशद्रोही गैंग के भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगेंगे। एफएसपीए हटाने का मतलब यह है कि सेना के पास से आतंकवादियों पर प्रहार करने के हथियार छीन लिए जाएंगे। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस के साथ ही उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधानमंत्री की मांग की है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि वे उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कांग्रेस ने वादा किया है कि वे अलगाववादियों से बिना शर्त बात करेगी। वह किसको खुश करने के लिए ऐसा कर रही है? उन्होंने सवाल किया कि क्या कारण है कि आतंकवादियों, अलगाववादियों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और कांग्रेस का घोषणा पत्र एक ही भाषा का प्रयोग करता है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल जनता को गुमराह कर वोट हड़पने के लिए अब तक के सबसे बड़े झूठे वादे न्याय का प्रचार किया, लेकिन घोषणा पत्र में राहुल गांधी के इस महाजुमले की भी हवा निकल गई है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होने पर योजना लागू की जाएगी, इसमें राज्यों का सहयोग लिया जाएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी न्याय की आड़ में अन्याय कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने कोई पहली बार झूठे वादे नहीं किए हैं।